नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश रहो बिटियाओं। IJVN डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, क्लिनिकल कंसल्टेंट इन सूर्यांश आरोग्य शाला इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल जयपुर। इन प्रीवियस सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज इन सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी, इन ऑपरेशन थिएटर, माइनर और मेजर ऑपरेशन थिएटर। ओके स्टूडेंट, there are many types of surgical instrument like forceps, needle holders, ureter, retractors, uterine sounds, proctoscopes, endoscopic instruments, seizures, forceps like chital forceps, artery forceps, Elish forceps, Babcock forceps. This is all types of surgical instruments which are used in surgery, in during surgery in operation theater. In today's session, we will discuss about the proctoscopy. Student, this is the proctoscopy. Proctoscope. This is the proctoscope. Okay. This is the proctoscope. There are two parts of this, separate parts of this instrument, proctoscope. Okay, students. This is called obturator. This is the proctoscope. This is handle of the proctoscope. Okay, students. In this picture, as you can see, the diagram of proctoscope. This is the proctoscope, and this is our proctoscope obturator, and this is the handle of proctoscope. Attention. This proctoscope is the hollow organ, hollow instrument, and both opening of this is the concept instrument. This is the part is narrow. This is the distal part and narrow and open part, and this one is the proximal part, is broad and opened her mouth. Handle attached with proximal part. Obturator handle is made of this. Questions.
So name of the instrument is proctoscope. Identify features of instrument. Consist of removal plug. Obturator is also called as removal plug. As you can see, we can remove the obturator from proctoscope. Use during the insertion. The ideal size of the proctoscope is 4 inch. The ideal size of proctoscope. There are many types of many size in proctoscope, but ideal size is small size, middle size, and large size. Proctoscope is also made for children's or infants, children's. Uses of this one. Used to visualize the rectum and lumen of the anal canal. Used to examine anal canal and distal aspect of the rectum. Student, अपन proctoscopy को कहाँ use करते हैं? अपन proctoscopy को anal canal के अंदर insert करते हैं. Anal wall से इसको insert करते हैं. Anal wall से इसको कैसे इसको hold कैसे करते हैं? First of all, हम सबसे पहले इसको proctoscope handle से इसको होल्ड रखते हैं. फिर इसके अंदर अपन ऑब्टूरेटर रिमूवल प्लग को इंसर्ट करते हैं स्लोली. फिर थंब पार्ट से इसको प्रेशर रख के अपन इसके ऊपर जाइलोकेन जेली इससे इसको लुब्रिकेंट कर लेते हैं प्रोटोस्कोप को. फिर इसको अपन एनल वर्ड से होते हुए इसको इंसर्ट करते हैं और एनल कैनाल के अंदर इंसर्ट करते हैं. एनल कैनाल आपको स्टूडेंट्स आपको पता है कि एनल कैनाल की आइडियल लेंथ होती है कि एनल कैनाल की लेंथ होती है 3 से 4 सेंटीमीटर और अपने इसकी लेंथ होती है 3 से 4 इंच. तो प्रोक्टोस्कोप जनरली एनल कैनाल और साथ के साथ रेक्टम को भी विजुलाइज करता है. तो अपन इसके थ्रू क्या क्या देख सकते हैं? इसका अपन दो यूज में कर सकते हैं, थेरेपेटिक यूज और डायग्नोस्टिक पर्पज. डायग्नोस्टिक पर्पज क्या? इससे अपन इसमें अपन क्रॉनिक फिशर को अपन रूल आउट कर सकते हैं. इससे अपन इंटरनल पाइल्स एनल कैनाल के अंदर कोई इंटरनल पाइल्स है उनको रूल आउट कर सकते हैं. या फिर कोई फिस्टूला की ओपनिंग एनल कैनाल के अंदर है उसको इंटरनल ओपनिंग को भी इससे अपन रूल आउट कर सकते हैं. या फिर कोई पोलिप बना हुआ है एनल कैनाल के अंदर उसको अपन रूल आउट कर सकते हैं. या फिर कोई कैंसरस ग्रोथ है जो एनल कैनाल में या रेक्टम में उसको अपन रूल आउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थेरेपेटिक पर्पज इसका क्या है? थेरेपेटिक पर्पज से अपन क्षारकर्म अपन कर सकते हैं. इसको अपन क्षारकर्म कर सकते हैं. इस पर अपन पोलिप को इसको अपन प्रेस कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं. अपन इसको होल एनल कैनाल को अपन इसमें विजुलाइज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, प्रोक्टोस्कोप में दो तरह के होते हैं, एल्यूमिनेटिंग और नॉन एल्यूमिनेटिंग. तो एल्यूमिनेटिंग फोर्सेप क्या होते हैं? जिसके अंदर लाइट का सोर्स होता हो, एक लाइट सोर्स होता है. और नॉन एल्यूमिनेटिंग फोर्सेप प्रोक्टोस्कोप क्या होता है? जिसके अंदर लाइट का सोर्स नहीं होता. तो स्टूडेंट्स, ये विदाउट लाइट सोर्स है इसलिए इसको नॉन एल्यूमिनेटिंग फोर्सेप अपन प्रोक्टोस्कोप अपन बोलेंगे. एज यू कैन सी ये होलो ऑर्गन, एज यू कैन सी दिस इज द प्रो डिस्टल ओपनिंग एंड दिस इज द प्रोक्सिमल ओपनिंग, बोथ आर ओपन. स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोक्टोस्कोप. दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्या पीडूमन जयपुर.
I hope you are satisfied with the digital session. If you have any doubts and queries, please mention comments or I will resolve it soon. Thank you so much.